खबरों में आगे बढ़ते बात करते धनबाद की, जहां पर सफाई कर्मियों ने पीएफ और मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। आपको बता दें फिलहाल ही उन्होंने हड़ताल खत्म जरूर कर दी है, लेकिन अभी भी जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है उनका कहना है कि वो हड़ताल पर रहेंगे। बता दें आपको कि जो मामला है वो ये है कि जो रेलवे स्टेशन है धनबाद का, वहां पर चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनबाद स्टेशन परिसर में कई दिनों से नर्क जैसे हालात बने हुए हैं। स्टेशन पर हर तरफ फैली गंदगी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। इसकी वजह भी साफ है, आउटसोर्स पर बहाल 100 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने पीएफ और मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। इस मसले पर सफाई कर्मियों का कहना है कि उनके खाते में पीएफ की राशि जमा नहीं हो रही है, साथ ही मजदूरी के प्रतिदिन के हिसाब से 136 रुपए ही मिलते हैं, जो बढ़कर 200 रुपए होने चाहिए। फिलहाल सफाई कर्मियों के समस्या का समाधान का आश्वासन दिया गया है और सफाई कर्मी भी हड़ताल वापस ले चुके हैं। हालांकि प्रबंधन से हुई बात के दौरान ज्यादातर सफाई कर्मी नाखुश हैं और इक्के दुक्के कर्मी सफाई कार्य में लौट भी आए हैं, पर अधिकांश कर्मी अपनी मांगे पूरी होने के इंतजार में है। रुपया देता है, हम लोग को छुट्टी नहीं देता, प्लस में डाकता है मुझसे कि ये काम करो, नहीं करेगा निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। ऐसा क्यों होता कि निकालने के लिए पीछे ही पड़ रहे, हम लोग हमेशा खड़े होकर काम करते हैं। लेडीज लोग का लाइन में देता है, को ठिकाना है, गाड़ी आके चाप दे गया, मर गया, कट गया, उसका बाप मेरा रिस्क नहीं लेगा। मेरा माँ बेटा बोलेगा कि मेरा माँ तो मारा हुआ है, गाड़ी चढ़ा देगा तो मर ही ना जाएगा सर। धनबाद से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन। बंदीजिए इजाजत, नमस्कार।